स्टेशन रोड स्थित एचडीएफसी बैंक के बाहर कचोरी की दुकान पर से एक बच्चा नोटों से भरा बैग लेकर भाग गया। जानकारी के अनुसार ब्यावर डूंगरी स्थित बालाजी गुडफेलो कंपनी में कार्यरत कर्मचारी इकबाल, जिसने एक बैंक से 3 लाख रुपए निकाले और दूसरी बैंक से 2,50,000 रुपए और तीसरे बैंक से 40,000 निकालकर एक बैग में रखकर एटीएम के बाहर कचोरी की दुकान पर नाश्ता करने के लिए रुका और फोन पर बात करने लगा। इसी बीच एक बच्चा चुपके से आकर बैग उठाकर ले गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ कर रही है। इकबाल को साथ ले जाकर पुलिस जगह जगह छापा मार रही है। पुलिस ने कई जगह नाकाबंदी भी की, लेकिन अभी निराशा ही हाथ लगी है। एक्सिस बैंक से मैंने 3 लाख रुपए निकाला, वो निकालने के बाद में एचडीएफसी बैंक आया, वहाँ से 2.5 लाख रुपए निकाला, वो निकालने के बाद में एसबीआई का जो एटीएम है एचडीएफसी के पास में, वहाँ से 40,000 रुपए निकाला। निकालने के बाद में मेरा जो बैग था वो कपड़े का थैला, उसको लटकाया गाड़ी में। लटकाने के बाद में मेरे पास फ़ोन आया, मैं फ़ोन में बात कर रहा था और एक बच्चा आया और पीछे से लेकर भाग गया। मेरे कचोरी वाला ने बताया तो मैंने उसको पीछे किया, वो नहीं मिला, मैं तुरंत रिपोर्ट दर्ज करवाया। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।